जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमें मकान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन से ग्रह अच्छे हो जिसके कारण हमें मकानों का सुख मिलेगा, और मकान बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। जन्म कुंडली में अगर शनिदेव बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए है तो समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में मकानों का सुख जरूर मिलेगा। आपके जन्म के समय चाहे आपके माता पिता के पास अपना मकान हो या ना हो, चाहे वो किराए पर ही क्यों ना रहते हो, लेकिन आप अपने जीवन में इतने सक्षम जरूर होंगे कि आप मकानों का सुख ले पाए। अब हम ये जानते हैं कि शनिदेव किन घरों के अंदर अगर बैठे हो तो हमें मकान बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, किन लोगों को मकान का सुख मिलेगा, और अगर कुछ ऐसे घर भी माने गए हैं शनिदेव के जिनमें वो बैठे हुए हो तो मकान बनाते समय क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, आज हम वो बात करेंगे। सबसे पहले हम शनिदेव के पहले घर की बात करते हैं। पहले घर में अगर शनिदेव बैठ जाए तो ये सूर्य के फलों को ख़राब करने का काम करते हैं। ऐसे में अगर शनिदेव पहले घर में बैठ करके ख़राब हो रहे हो, अशुभ हो रहे हो, नीच राशि में बैठे हुए हो या किसी खराब राशि में बैठे हुए हो, और जन्म कुंडली में राहु पहले घरों में हो, यानी कि 1 से 6 में राहु देव हो और 7 से 12 में केतु देव हो, तो समझ लीजिए शनिदेव आपके ख़राब है। और अगर आपने मकान बना लिया तो इसका सीधा सीधा ख़राब असर आपकी सेहत और कामकाज के ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसी समय अगर जन्म कुंडली में शनिदेव पहले घर में बैठे हुए लेकिन वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं और केतुदेव 1 से 6 घरों में बैठे हुए हैं, और 7वां और 10वां घर अगर जन्म कुंडली में खाली है तो मकान बनाते समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब मर्जी, खास करके हो सके तो 36 साल की उम्र के बाद अगर मकान बनाते हो तो किसी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में शनिदेव बैठे हुए हो तो कहते हैं कि अगर आपने मकान शुरू कर लिया है तो उसको पूरा ख़त्म करके ही उसमें प्रवेश कीजिए। ये नहीं कि मकान आपका बन रहा है, बीच में थोड़ा काम आपने अभी करवा लिया, फिर 2-4 महीने का गैप दे दिया, फिर 2-4 महीने बाद आप पैसे लगा रहे हो। यानी रुक रुक के ऐसे इंसान को मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर मकान बनाना शुरू करें तो एक ही बार में पूरा मकान बनाए। अब हम बात करते हैं तीसरे घर के शनिदेव की। कहते हैं कि तीसरे घर में शनि अगर बैठा हुआ हो तो केतु की सपोर्ट मिलना बेहद जरूरी है। तीसरे घर में शनि बैठा हुआ तो हो और इंसान को कामकाज की दिक्कतें आ रही हो, पैसे की दिक्कतें आ रही हो, तो घर में कुत्ता पालने से लाभ होगा। और जैसे ही इंसान घर के अंदर कुत्ता रखेगा, और संभव हो तो 3 कुत्ते घर में रखिए, नहीं तो कम से कम 1 कुत्ता ज़रूर रखिए घर में, और बाहर के कुत्तों की भी सेवा कीजिए, तभी आपको मकान का सुख मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव के चौथे घर की। चौथे घर में अगर शनिदेव बैठे हुए हो तो इंसान को भूल करके भी मकान नहीं बनाना चाहिए। चौथा घर, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद के सुख, ऐसा इंसान अगर अपनी कमाई से मकान बना ले या खरीद ले या बना बनाया ले ले, तो ऐसे में ससुराल परिवार और नानका परिवार, ननिहाल परिवार, ये दोनों ही बर्बाद होंगे। और इधर हम अपना घर बनाना शुरू करेंगे, उधर उनके घरों के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी। और साथ ही मकान बनाते समय या खरीदने के बाद इंसान के खुद के घरों के अंदर भी लड़ाई झगड़े, कलेश, पैसे के बड़े बड़े नुकसान और माता को मृत्यु तुले कष्ट जैसे योग देता है। इसलिए ऐसे लोगों को मकान नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मकान आज की डेट के अंदर हर किसी की जरूरत है। अगर मकान बनाना है तो उपाय करके बनाइए। अगला शनिदेव पांचवें घर में। पांचवा घर माना गया है संतान का। इस घर में कहते हैं कि अगर शनिदेव बैठ जाए और इंसान मकान बनाना शुरू कर दे या अपने पैसे से मकान खरीद ले तो संतान की बलि देने का काम करेगा। इतना बड़ा शब्द जो कि हर किसी को डरा दे, वो साफ साफ लाल किताब में लिखा गया है। इसलिए
ऐसे इंसान को भूल करके भी मकान नहीं बनाना चाहिए, संतान पर तो खराब असर पड़ेगा, साथ ही पिता पर भी बढ़ जाएगा। अगर इंसान के पिता है और वो मकान बनाना शुरू कर दे, उधर पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे योग और पुत्र के भी एक्सीडेंट होकर के मृत्यु तुल्य कष्ट तक के योग बना देता है। इसलिए ऐसे लोग भूल करके भी मकान ना बनाए और कहीं बनाना मजबूरी हो जाए तो उपाय किए बिना तो बिल्कुल भी ना बनाए, नहीं तो जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट आएंगे जो कि सहन करने की ताकत भी कई लोगों के पास नहीं होती क्योंकि सूर्य खराब हो जाता है। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में अगर शनिदेव बैठ जाए तो ऐसे लोगों को मकान जो बनाना चाहिए अव्वल तो कोशिश करें कि 48 साल के बाद ही मकान बनाएं। अगर पहले ऐसे लोग मकान बनाना चाहते हैं तो 36 साल की उम्र के बाद या संभव हो तो 39 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों को मकान बनाना चाहिए, फिर हालात ठीक रहेंगे। लेकिन 36 साल की उम्र से पहले बनाया हुआ या खरीदा हुआ मकान हमेशा दुखदायी होगा, जो घरों के अंदर बीमारी और कर्ज जैसे हालात भी बनाएगा। अब बात करते हैं शनिदेव के सातवें घर की। सातवें घर के अंदर अगर शनिदेव हो तो कहते हैं इंसान को मकानों का सुख जरूर मिलता है और शादी के बाद मकानों के सुख मिलने के योग और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे लोग अगर मकान बनाना चाहते हैं तो हो सके कि अपने अगर मान लो कोई नया मकान खरीदते हैं या बनाते हैं, जो उनका पुराना मकान है उस घर की दहलीज को अपने नए मकान की दहलीज में जरूर लगाइए, यानी कि जो आपके पुराने घर के मकान की दहलीज है थोड़ा सा उसका आप उसकी मिट्टी लेकर के या किसी भी तरह से उस दहलीज को अगर नए मकान की दहलीज में शिफ्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे मकानों के और ज़्यादा सुख आपके बढ़ेंगे और ज़्यादा मकान बनेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव के आठवें घर की। आठवें घर में अगर शनिदेव बैठे हुए हो तो कहते हैं कि मकान बनाने के बाद घर के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे योग बनाता है और ये खास करके हालात तब बनते हैं जब शनि का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए। ऐसे लोगों को भूल करके भी मकान नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में अगर इंसान मकान बनाता है तो घरों के अंदर बीमारी और किसी ना किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे योग देखने को मिलते हैं। और ख़ास करके एक योग और बनता है, शनिदेव आठवें घर में हो, चंद्रमा दूसरे में हो, बारह में हो या साथ ही बैठा हो तो एक्सीडेंटों के अंदर पूरे परिवार के ख़त्म हो जाने तक के योग बनते हैं। हम अक्सर लोग अखबारों में ये चीज़ देखते हैं कि पूरा परिवार एक ही गाड़ी में जा रहा था जिसमें गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें सभी लोगों को इस दुनिया से जो है वो जाना पड़ा। इस तरह के खराब योग बनाता है। इसलिए शनि आठ वाले भूल करके भी 48 साल की उम्र से पहले ना मकान ना बनाए, अगर बना लिया है या बनाना मजबूरी है तो उपाय किए बिना बिल्कुल मत बनाइए। और ये जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किन लोगों को उपाय करके बनाना चाहिए वो उपाय हम आखिर में बताएंगे। शनिदेव नौवें घर में, नौवें घर में अगर शनिदेव कहते बैठे हुए हो और इंसान को मकानों का सुख तो ये जरूर देंगे, लेकिन ऐसे में अगर इंसान की पत्नी प्रेग्नेंट हो और इंसान को उस समय के अंदर मकान बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए या घर में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो इसका खराब असर बच्चे और माँ पर तो पड़ेगा ही, साथ पे पिता पर भी पड़ेगा। शनि नौ वालों को एक या दो मकान बना ले तो इनके लिए ठीक रहता है, लेकिन इसमें मकानों का सुख तो शनि देता है, लेकिन तीन मकान अगर ऐसा इंसान बना ले तो उसका सीधा सीधा बुरा असर पिता के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए शनि नौ वालों को एक या दो मकानों में सक्षम रहना चाहिए जब तक उसके पिता इस दुनिया में हैं। शनि दस, दसवें घर में अगर शनिदेव बैठे हुए तो कहते हैं कि जब तक मकान इंसान नहीं बनाता तब तक काम का सुख भी बहुत अच्छा है, पैसे का सुख भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन मकान बना लिया उसके बाद से काम काज और पैसा दोनों में ही गिरावट आनी शुरू होगी। और अगर ऐसे इंसान मकान बनाना चाहते हैं तो 36 साल की उम्र के बाद बनाइए, 36 साल की उम्र से पहले ना बनाइए और साथ में उपाय जरूर कीजिए। शनिदेव ग्यारह,
शनिदेव ग्यारहवें घर में जब होते हैं ना, ग्यारहवां घर लाभ का घर है, लाभ स्थान माना गया है। ऐसे में ऐसे लोगों को 55 साल की उम्र से पहले, 55 ईयर की उम्र से पहले भूल करके भी मकान नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में तो फिर शनिदेव रुपया, पैसे की खराबियां, कर्ज जैसे हालात, बीमारियां ऐसी ऐसी के जिसमें जिसका कोई इलाज ही ना हो, इस तरह की बीमारियां देता है। और कहीं वो अगर दक्षिणमुखी हो जाए तो ऐसे में कहते हैं कि इंसान मकान बनाने के बाद उसी घर के अंदर बहुत भयानक बीमारियां उसको लगेंगी और उसी घर के अंदर वो बीमारियों के कारण उसकी मृत्यु भी होगी। ये इतना बुरा योग है, इसलिए 55 साल की उम्र से पहले शनि 11 वालों को मकान नहीं बनाना चाहिए। शनि 12, शनि 12वें घर में जब होता है ना तो ये बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे में कहीं केतु 1 से लेके 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो इंसान को मकानों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा इंसान जितना चलाकी से चलेगा उतना ही मकानों का सुख मिलेगा। और साथ ही ऐसा इंसान अगर ऐसे मकान में रहता है या ऐसा मकान बनाता है जिसमें सूर्य की रोशनी ना आए और लाइट जगा करके घर में रोशनी हो, इस तरह के मकान ऐसे लोगों को बहुत फलते हैं और मकानों पर मकान बनेंगे, रुपया पैसा बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के सुख बढ़ेंगे, वाहन के सुख बढ़ेंगे। तो ये तो हमने बात करी शनि के 1 से लेके 12 घरों की, कि किन लोगों को मकान बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। और अब हम उपाय की बात करते हैं जिनके लिए हमने उपाय जरूरी बताया, जैसे शनि काना नंबर 4 में हो, 5 में हो, 8 में हो या 11 में हो या 10 में हो, इन लोगों को क्या उपाय करके मकान बनाना चाहिए, या अगर मकान बना लिया है तकलीफें आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक मुट्ठी साबुत बादाम, एक मुट्ठी काली उड़द की दाल, एक सूखा नारियल जो बिना पानी का होता है और थोड़ा सा सरसों का तेल, इन सभी चीज़ों को आपस में मिला करके सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार चलती हुई नदी में जल प्रवाहित करें। अगर जल प्रवाहित नहीं कर सकते तो इस सभी सामग्री को तेल सहित, फिर तेल को उसमें मिलाना मत, तेल को अलग से किसी मजदूर को दान दें। मात्र अगर आप यही उपाय करके चलते हो, मकानों का सुख भी मिलेगा। अगर मकान बनाने के बाद जिन जिन घरों के अंदर शनिदेव तकलीफ़ें देते हैं मकान बनाने के बाद, आप मकान बना चुके हो, तकलीफ़ें आ रही है या मकान का सुख नहीं मिल रहा, तो आप मात्र ये बादाम, नारियल और सरसों के तेल और काली उड़द जल प्रवाह करने का या दान करने वाला उपाय कीजिए, मकान का सुख जरूर मिलेगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय।